के इतने टुकड़े होंगे। अगला चुम्मा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। गदर टू द कथा कंटिन्यू। तो पहली बार हैंडपंप के साथ इन्होंने सब रिकॉर्ड उखाड़ दिए। नहीं उखाड़ा। यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। हेलो गाइस, मैं हूं रोबिन, आप लोग देख रहे हैं लावलन यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग? हमारा बॉर्डर के उस पर से जैसे तरह का रिएक्शन आ रहा है, सच में देख के तो मैं हंसते हंसते पागल हो जा रहा हूँ। इस मूवी के अंदर सानी पाजी जो जो डायलॉग दिया है, सच में बोलूं तो मेरा दिल छू गया है, सच में बोलूं तो। और वो जो डायलॉग है ना, पाकिस्तान का ना पता है यार, गांड का बाल जल जाए। एक ही मम्मी का दो बेटे है ना, एक का नाम है बांग्लादेश और एक का नाम है पाकिस्तान। हाँ गाइस, क्योंकि यार अभी फिलहाल जो गदर टू मूवी का अभी फिलहाल ट्रेलर लॉन्च हुआ है कल ही, तो उसके ऊपर पाकिस्तान तो यार भड़क गया, उसके बाद बांग्लादेश का लोगों को अभी फिलहाल भड़क गया। बांग्लादेश का लोग जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान का फेवर में बात कर रहे हैं ना, सच में तुम्हारा का दिमाग गर्म हो जाएगा। बट यार मैं बांग्लादेश का यार, क्योंकि यार उधर में हमारे इंडिया लोग थोड़ा सुसु कर देंगे ना, तो बांग्लादेश डूब जाएगा, ऐसा बात है। तो बहुत दिन के बाद बॉलीवुड के अंदर एक अच्छा मूवी देखने के मिलेगा हम लोगों को 11 अगस्त में। बट इसके अंदर बहुत सारे राज्य में टैक्स फ्री होने वाला है और बॉक्स ऑफिस के अंदर बहुत ही खतरनाक अर्निंग करने वाला है। एक टाइम में मतलब इंडिया पाकिस्तान के अंदर बहुत ही मतलब यार तगड़ा फाइट था, अभी फिलहाल थोड़ा घट गया है, क्योंकि यार उस टाइम में मतलब यार हमारे इंडिया का कोने कोने में मतलब यार बॉम्ब ब्लास्ट होता था उस टाइम में। ओके, बट अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी आने के बाद अभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता है। पाकिस्तानी का वो क्या काम आता है, क्या बना सकता है वो लोग? मतलब यार बंदूकें बना सकते, मिसाइल बना सकते, बम बना सकते और सबका गांड में यार बम लगा के छोड़ देते। ये छोड़ के कुछ काम जानता ही नहीं ये लोग। 20 साल के पहले जो अमरीश पुरी का जो एक्टिंग था, ठीक है, जो डायलॉग था बस, बट अभी फिलहाल उस तरह का फीलिंग्स इस मूवी के अंदर मेरे को नहीं मिला। मैं शपिंग सेन मतलब यार तुम ओवर एक्टिंग मतलब यार कभी कभी मेरे को लग रहे थे। गड्डी के ऊपर हमारा सानी भाजी ने हैमर चला दिया तो गड्डी का अभी फिलहाल चित्रे वेरे उड़ गया, क्योंकि यार पाकिस्तानी ब्रांडेड है ना, इसलिए तो ऐसे ही मतलब होना था। हमारा सानी भाजी एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर हैमर का मतलब यार मारता है, तो उसका जो मुंह है ना पूरा मतलब घुस जाता है। मतलब यार वो सीन मेरे को बहुत अच्छा लगा। सानी पाजी का क्या ही मस्त डायलॉग था और एक्टिंग था, बहुत ही बढ़िया था। बट यार मेरे को इधर में जो पाकिस्तानी का जो मतलब यार हेड जो पुलिस ऑफिसर था उसका थोड़ा मेरे को डायलॉग लगा था ओवर एक्टिंग कर रहे थे और ओवर मतलब डायलॉग बोल रहे थे। और इस मूवी के अंदर मेरे को साउंड इफेक्ट्स विजुअल के थोड़ा कमी लगा है। अगर टू है ना भैया, एक्शन तो भैया इसके अंदर भरपूर मिलेगा, तुम लोग यार पैसा वसूल हो जाएगा भैया एक्शन जो देखोगे, क्योंकि यार ऐसे तरह का फीलिंग सही फिलहाल नहीं है। 20 साल के पहले जैसे मतलब गदर मूवी के अंदर जैसे मतलब यार कितना चिकना चुकना था भैया, अभी फिलहाल इतना चिकना चुकना नहीं है। प्यार का अभी फिलहाल अंदाज भी बदल गया है, ये लोग मतलब फिलहाल बुढ़े हो गए, तो ये लोगों का प्यार का अंदाज भी होता है बुढ़े तरह का जो हो गया। बट यार अभी फिलहाल इसके अंदर मेरे को समझ बोलो तो प्यार के जो चीज है ना अच्छा नहीं लगा मेरे को। मैं निकला गड्डी लेके, ये गाना कभी पुराना नहीं होगा, सच में सबका दिल में। हाँ भैया, सबका दिल में अभी तक भी है। आप लोगों का घर पे भी हो तो दादाजी गाएगा ना, उसको भी इस गाने को सुनाओगे तो तुम्हारा दादाजी जितने भी बुढ़े हो गए बट यार कमर तो यार दुलाएगा ना। आज मिलेगी मेरे कलेजे को ठंडक। पाकिस्तानी को खा के काम धंधा नहीं है, साला हिंदुस्तान का कोई भी लौंडे को मिलता है इतना पीटता है भैया। मतलब यार मोदी जी का पूरा भरस उसके ऊपर निकाल दिया है, मेरे को तो लग के बहुत दुख लगा। बट जब भी सुना है हमारा सानी पाजी आएगा उसका लौंडे को छुड़ाने के लिए, तो भैया मैंने सोचा था बहुत बड़ा बड़ा मतलब यार गान वान लेके आएगा, बट ये देर में तो यार हमारे सानी पाजी हमारे लेके पहुंच गए। का रिएक्शन देखा है, बोलता है यार तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे मूवी के अंदर ही, तुम लोग यार ऐसे तरह का वीडियो बना के तुम लोग यार मन के अंदर शांत देते हो यार। देखो पाकिस्तानी हो, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, तुम लोगों का उस टाइम में किधर में गए थे ऐसे बात, जब भी हमारा अभिनंदन जी को तुम लोग यार अटक रखे थे उधर में, तुम लोगों का उस टाइम में गांड में दम था तो हमारा अभिमन्यु जी को छोड़ क्यों दिया? हाँ उस टाइम में गांड सूख गए थे क्या? पूरा अभिनंदन जी उधर में गए थे, तुम लोग यार छोड़ दिया है क्यों? डर के मारे छोड़ दिया है, पैंट के अंदर तो गीली कर दी,
जब भी बोला है मोदी जी बोला है छोड़ दे नहीं तो तुम्हारा सबका मतलब मार देगा, तो तुम लोग यार डरते डर के मारे सबको छोड़ दी। और अभी फिलहाल तुम लोग इस मूवी को देख के थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है यार, जो सच है वही तो बोल रहे हैं ना। मूवी के अंदर बहुत सारा कुछ चेंजेस किया है, पुराना जो मूवी था उतना चेंजेस नहीं था। अमरीश पुरी का एक्टिंग बहुत यार मस्त था, बट इसके अंदर अमरीश पुरी नहीं है तो, बट यार इसके अंदर थोड़ा तो यार नेगेटिव जाएगा, बट डायलॉग कभी कभी मेरे को लगता है ओवर एक्टिंग कर गया। और इसके अंदर जैसे कमान लेके जैसे आर्टिलरी गन लेके मतलब एक्शन होगा उस चीज अभी फिलहाल बहुत ही वाइब देता है इस मूवी के अंदर। और अभी फिलहाल इस टीजर को देख के मेरे को सच में बोले तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत एक क्लोज रिलेशनशिप है